हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का पुआ। देखिए, इसे 2 कटोरा आटा ली हूँ और इसका आधा सूजी है। देखिए, अब बारीक वाला सूजी लेना, अगर बारीक वाला ना हो, मोटा वाला हो तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। और चीनी, 2 कटोरा चीनी डालूंगी क्योंकि मैं 2 कटोरा आटा ली हूँ, इसलिए 2 कटोरा चीनी डालूंगी। चलो इसमें मिलाती हूँ। तो देखिए गाइस, इसको बड़ा बड़ा बर्तन में निकाल ली हूँ। अब 2 कटोरा आटा, इसमें सूजी डालूंगी, फिर चीनी डालूंगी। तो देखिए गाइस, चीनी और डालूंगी क्योंकि मीठा नहीं होगा उतना में, थोड़ा सा कम है 1 कटोरा में, क्योंकि मैं 2 कटोरा आटा ली हूँ और 1 कटोरा सूजी भी ली हूँ, तो ज्यादा हो जाएगा तो मीठा नहीं हो पाएगा। आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हो, आप चाहे तो डब्बे से भी मेजरमेंट कर सकते हो, नाप सकते हो। तो देखिए गाइस, इसमें गरम दूध डालूंगी, इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाती रहूंगी। अगर एक बार डाल दोगे तो इसमें गुलठी पड़ जाएगी, फिर वो आप छुड़ा नहीं पाओगे। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाओगे। देखिए, 1 कटोरा दूध ली हूँ, 2 कटोरा मैदा था, तो 1 कटोरा दूध ली हूँ। अब इसको मिलाते जाऊंगी। दूध कम ज्यादा पड़ सकता है, वो तो मैदा जैसे मैदा रहेगा उस हिसाब से, मैदा सूजी के हिसाब से कम ज्यादा दूध पड़ सकता है। तो देखिए गाइस, कैसा मिल गया है। देखिए, 2 कटोरा मैदा आटा था, तो ये 2 कटोरा दूध लग गया है, ज्यादा लग गया है थोड़ा बहुत, मतलब 2.5 कटोरा लग गया है दूध, क्योंकि आटा थोड़ा ज्यादा था, 2 कटोरा आटा था बड़ा कटोरा से। अब इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, उसके बाद बनाएंगे। देखिए गाइस, 2 घंटे हो गया है, देखिए कैसा हो गया है फूल के। देखिए, और इसको ऐसे फेटेंगे और ठीक हो गया है, थोड़ा जम गया है। देखिए गाइस, थोड़ा टाइट हो गया है, तो इसमें थोड़ा और पानी या दूध डालूंगी। तो मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी, जो दूध का बर्तन था उसी में डाल रही हूँ पानी। अब इसको मिलाऊंगी थोड़ा। तो देखिए गाइस, कैसा बैटर बन गया है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना इसी। देखिए, और इसे हार्ड हो जाए, अगर हार्ड हो जाएगा या पतला हो जाएगा तो आपका मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए इसको फ्राई करती हूँ। देखिए गाइस, मेरा तेल गरम हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा डाल के चेक करूंगी। ये जितने मालपुए की वो है, ऊपर आ जाएगा ये, तो समझ लेना कि हमारा मालपुए की ये तेल तैयार हो गया है। तो देखिए गाइस, देखिए जो बैटर था हमारे मालपुए के ऊपर आ गया है तेल से। देखिए, तो समझ लेना कि तेल गरम हो गया है, ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल, हल्का होना चाहिए। देखिए गाइस, इसमें डालूंगी मालपुए। देखिए, तो देखिए गाइस, इसमें देखिए झाग आने लगा है, अब ये अपने आप ऊपर आ जाएगा खोल के। तो देखिए गाइस, ये बबल्स ऊपर आने लगे हैं, अब इस समय हाई फ्लेम कर देना। तो देखिए गाइस, कैसा बना है मालपुआ, धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ गया है। इसको गोल्डन होने तक पकाऊंगी, थोड़ा सा तेल के ऐसे छींटे मारते रहेंगे। देखिए, फूल के ऊपर आ गया है। देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा हाई फ्लेम कर दीजिएगा ताकि हमारे पूरे जल्दी से गोल्डन हो जाएगा। देखिए गाइस, एक साथ दो बना सकते हो, तीन बना सकते हो, तो मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए दो ही बन रहा है इस टाइम। आप बड़ी कढ़ाई लेना, इसमें 3-4 बन जाएगा। और देखिए कितने फूले 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 बन रहा है, ये देखिए गाइस, बहुत टेस्टी लगता है, एक बार घर में ट्राई जरूर करना। देखिए, तो देखिए गाइस कैसा बना है मालपुआ, देखिए कितना मुलायम है, ये देखिए अभी गर्म है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, देखिए देखो कितना फूला फूला बना है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
दोस्तों खाने में और अच्छा लगेगा। देखिए बिल्कुल मुलायम है, देखिए ये देखिए। अभी कान्हा जी का भोग लगाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ टेस्ट करके। देखिएगा इस कान्हा जी का भोग लग गया है, और देखिए कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।